महागठबंधन में इन दिनों सुपौल लोकसभा सीट को लेकर झगड़ा मचा है। जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीता रंजन का आरजेडी विधायक के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उसका असर अब मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के मधेपुरा में भी देखने को मिल रहा है। और अब कांग्रेस के छात्र संगठन भी मधेपुरा लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। सुपौल लोकसभा सीट हमारा कांग्रेस का है, दरभंगा लोकसभा सीट हमारा कांग्रेस का बनता है। इन दोनों सीट पर हमारी प्रत्याशी खड़ी होंगी और रंजीता रंजन हमारे पार्टी का सिर्फ सांसद ही नहीं, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के वो पदाधिकारी हैं। सदन के अंदर में अगर नरेंद्र मोदी जैसे जुमलेबाज को अगर तर्कसंगत अगर किसी ने घेरने का अगर कोई सांसद ने अगर दम रखती है तो मुझे गौरव है कि रंजीता रंजन हमारी सांसद, हमारी पार्टी की सांसद है और उसका टिकट काटने के लिए उच्च राजनीति सुपौल के राजद के नेता और चंद जनप्रतिनिधि के द्वारा जो किया जा रहा है, सहरसा एनएसयू है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध करता है। अगर हमारे पार्टी और हमारे नेता और हमारे प्रत्याशी का अगर वो सम्मान नहीं करेगा तो क्या हम लोग उसके सम्मान करने के लिए यहाँ निरर्थक बैठे हुए हैं क्या? तब हम लोगों को भी अपनी राग और अपनी डफली होगी और ईंट से ईंट बजा देंगे। जो हमारा सम्मान नहीं करेगा तो वो हमसे भी अपना सम्मान रखने का उम्मीद न करे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर ये फैसला लिया है कि सुपौल में आरजेडी विधायक के द्वारा विरोध करना बहुत ही निंदनीय है। अगर महागठबंधन धर्म का पालन लोगों को करना है तो ठीक, वरना सुपौल लोकसभा सीट से रंजीता रंजन को अगर थोड़ी सी भी परेशानी पहुंचाई गई तो मधेपुरा लोकसभा में वो महागठबंधन के उम्मीदवार शरद यादव की ईंट से ईंट बजा देंगे और आर पार की लड़ाई होगी। उद्देश्य सीधा सीधा है कि जिस तरह सुपौल लोकसभा में हमारे कांग्रेस उम्मीदवार रंजीता रंजन का वहाँ एक विधानसभा के विधायक यदुवंश प्रसाद यादव के द्वारा जिस तरह की विरोध की जा रही है, ये काफ़ी निंदनीय है। अगर आप महागठबंधन धर्म का अगर पालन करते हो तो आप वहाँ पे सहर्ष हमारे कांग्रेस उम्मीदवार को स्वीकार करो, अगर आप वहाँ पे स्वीकार नहीं करते हो तो मधेपुरा लोकसभा में खुलेआम शरद यादव जी का हम लोग प्रतिकार करेंगे और विरोध करेंगे। अगर महागठबंधन धर्म अगर आप निभाना नहीं जानते हैं तो हम भी सम्मान करना नहीं जानते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से हमारे सारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथ ही यहाँ पे बैठक करके एक निर्णय ली है कि अगर सुपौल लोकसभा में रंजीता रंजन पे तनिक भी अगर चोट आया, आँच आया तो मधेपुरा लोकसभा में शरद यादव जी को हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और आर पार की लड़ाई होगी। जा अपना वो गठबंधन तेजस्वी से जाकर के बात करें किनको रखना है किनको नहीं रखना है। हमारी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का स्टैंड साफ है, आप हमारे कांग्रेस का सम्मान करो तो मैं आपका राजद का सम्मान करूँगा, आप नहीं करोगे कांग्रेस का सम्मान तो हम लोग राजद का सम्मान कतई नहीं करेंगे। इधर सहरसा पहुंचे शरद यादव ने कहा है कि महागठबंधन एक है और एक ही रहेगा। पूरी तरह से देश ही नहीं बल्कि बिहार में भी 2/3 बहुमत से ज्यादा महागठबंधन को जिताने का काम करना है शरद यादव के, ये तो दावे हैं। फिलहाल जमीनी हकीकत ये है कि सुपौल में आरजेडी और कांग्रेस की बन नहीं रही है, आरजेडी खुलेआम कांग्रेस की उम्मीदवार का विरोध कर रही है। हाँ हटे हुए लीजिए ना आप लोग, और पूरी तरह से देश में ही नहीं सबसे ज्यादा बिहार में महागठबंधन को 2/3 बहुमत से जनता ने जिताया। सुपौल में विरोध चल रहा है, फिर से वही दोहराया जाए। सुपौल में आरजेडी विरोध कर दिया, यहाँ पे आपका भी विरोध हो रहा है। बहुत बड़ा देश है, सब होते चलते रहता है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि बीते दिनों आरजेडी विधायक ने रंजीता रंजन पर कई आरोप लगाए थे, इसी के कड़ी में इस बैठक को उसका जवाब माना जा रहा है। सहरसा से धीरज सिंह, बिहार तक।